हमारे गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के स्थापना के अमृत वर्ष अमृत स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे एक भूतपूर्व छात्र एवं कथावाचन में देश विदेश में नाम करने वाले श्री प्रेम भाई, हमारे स्थानीय विधायक श्री चौहान साहब, इस मंडल के आयुक्त, मंडल के डीआईजी साहब, यहाँ जिला के जिलाधिकारी और एसपी साहब, इस विद्यालय के प्रबंधक, यहाँ के सचिव, यहाँ के अन्य पदाधिकारी, इस विद्यालय के हमारे भूतपूर्व अध्यापक, अभी वीरेंद्र राय साहब मुझे पता चला कि वो चले गए क्योंकि स्वास्थ्य कुछ खराब होने की वजह से, 96 साल की उम्र है, भगवान उन्हें 97 बनाए, श्री राम बनार शुक्ल जी, हरिन तिवारी जी, उदय भान गुप्ता जी, दया शंकर मिश्र जी, दूरनाथ यादव जी, राम बदन चौबे जी, श्री शतुद्दीन अहमद साहब जो उन्होंने हमें अंग्रेजी पढ़ाया था कक्षा 6 में, उमेश मिश्रा जी और तमाम से इस विद्यालय के आज के प्रधानाचार्य श्री हेतराम जी, सारे अध्यापकगण, पूरे क्षेत्र से आए हुए विद्यालय के पूर्व छात्र, अभिभावक, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं पूरे विद्यालय परिवार को 75 वर्ष पूरा होने की बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं। किसी के जीवन में, चाहे वो व्यक्ति हो या संस्था हो, ये एक बहुत बड़ा मुकाम है और इस बात का ये प्रतीक है कि विद्यालय में अभी भी ताकत है, नहीं तो चीजें बनती हैं। आप जानते हैं बहुत कम उम्र में भी बच्चे, तमाम सारे व्यक्ति या संस्थाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन आज 75 साल की उम्र में भी ये विद्यालय पूरी तरह से खिला हुआ है। आप देख रहे हैं सभी तरह रंग रोशन करके इस प्रकार अच्छे हालत में है। मैं इस बात के लिए जिन लोगों ने इसकी नींव रखी थी, इतनी सुदृढ़ नींव रखी थी कि ताकि ये इमारत बुलंद रूप से चल करके और एक अनंत काल के लिए चलती रहे, आज 75 साल, कल 100 साल, 125 साल, 150 साल, 200 साल, ऐसे ये निरंतर चलती रहे, इसकी उन्होंने नींव रखी। तो मैं आज के इस अवसर पर पंडित कन्हैयालाल मिश्र जी, जो हमारे प्रदेश के नहीं पूरे देश के, दुनिया में अधिकता जो समुदाय है उसमें बड़े सम्मान के साथ उसके एक सितारे के रूप में जाने जाते हैं, मैं उनका स्मरण करना चाहता हूँ। मैं स्मरण करना चाहता हूँ, आज जब विद्यालय का नींव रखा गया था जुलाई 1947 में, तो पंडित कन्हैयालाल मिश्र जी के साथ लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, जो कि बहुत बड़े लेखक विचारक थे, जिनकी तमाम सारी पुस्तकें हैं, पंडित भगवान दास मिश्र जी और भी जो तमाम सारे लोग थे जो पूरे इस मिश्रान क्षेत्र के, उन्होंने सोच करके, और जब पूरा देश आजादी के उस भाव से जुड़ा हुआ था, गांधी जी के भाव से जुड़ा हुआ था, गांधी जी के प्रति इतना समर्पित था राष्ट्रपिता बापू के प्रति, इस विद्यालय का भी नाम रखा उन्होंने गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज बारूपुर। मैं उन तमाम सारे लोगों को प्रणाम करता हूं आज के पहले, ये सोच करके कि 75 साल पहले जब उन्होंने नींव रखी होगी तो क्या स्थिति रही होगी। और आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि तो हम 75 वर्ष के इस विद्यालय के जिंदगी के साक्षी, चाहे वो हमारे वीरेंद्र राय साहब रहे हो 96 साल की उम्र में, या छोटे बच्चे हो जो अभी पुरस्कार हमसे ले रहे थे, हम तमाम सारे साक्षी हैं इस विद्यालय के 75 साल के लिए, और उस रास्ते को तय करने के लिए जो इसको अब 100 साल लेके जाएगा। जब देश हमारा आजादी का 100 साल मना रहा होगा, देश पूरी तरह बदल चुका होगा, जिस राह पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 8 सालों से लगातार हरनिश इस देश को जैसे बदलाव कर रहे हैं, जैसे लोगों की सोच में बदलाव कर रहे हैं,
पूरी व्यवस्था में बदलाव करने में बड़े नजदीक से भारत सरकार में लगभग 7.5 साल एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ग्रुप में काम करके देखा है, बड़ी नजदीकी से देखा है। जिस प्रकार से पूरा का पूरा कल्प ऊर्जा इसको एक देशभक्ति से, इस देश के प्रति समर्पण की भावना से, देश को पूरी तरीके से विकासशील से निकालकर विकसित करने के लिए जो रास्ता अपनाया है, पूरा देश 25 साल के बाद बदल चुका होगा। जब देश बदल चुका होगा तो हम सारे लोग बदल चुके हैं। हम सबकी आकांक्षाएं, हम सबकी आप अपेक्षाएं, हम सबकी जरूरतें, हम सबके काम, हर चीज में बदलाव होगा, जिसका तमाम सारा नमूना आप देख रहे हैं। कुछ एक उदाहरण आपको अभी आप आलोक बता रहे थे या कुछ थोड़ी चीज़ें विदेश बता रहे थे, लेकिन बहुत छोटी चीज़ें, बहुत थोड़ी सी चीज़ें थी। पूरा देश बदल रहा है। जब देश बदल रहा है तो हमारे क्षेत्र को भी बदलना होगा। जब देश बदल रहा है तो हमारे गांव को भी बदलना होगा। जब देश बदल रहा है तो हमारे हर घर को बदलना होगा, हर संस्था को बदलना होगा। ये हमारा जो गांधी विद्यालय है, मैं आप सबको एक बार आंख मूंद करके सोचिए कि मेरा विद्यालय जब 2047 में अपना 125 साल मना रहा होगा तो क्या होगा, कैसा होगा, आप सोच सकते हैं। भगवान ने आपको वो शक्ति दी है। हम सब में ये शक्ति है कि हम अपने आप को आज से 25 साल नहीं, हम 100 साल आगे ले जाकर के सोच सकते हैं हम कहाँ होंगे, किस जगह पे, किस मुकाम पे हम होंगे। हो सकता है हम उस समय ना हो, हम सब में से बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि भगवान की प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है जिसमें लोग आते हैं और जाते हैं और वही जीवन चक्र है। इसीलिए जो कहते हैं छने छने जन माणु पेकी तदैव रूपम रमणीयताया, जिसको कालिदास ने मेघदूत में लिखा कि क्षण क्षण में परिवर्तन ही इस समाज की रमणीयता लाती है। तो रमणीयता हमारे, अगर हम सब कभी न समाप्त होने वाले हो जाए तो खत्म हो जाएंगे, जैसे सड़न हो जाएंगे। जब तक नदी चलती है, नदी में उसका पानी अनवरत चलने से बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ होता है। पानी रुक जाएगा तो उसमें बदबू आएगी, सड़न आएगी, बेकार हो जाएगी। तो जीवन में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन तो होगा, हम सब में से आते रहेंगे जाते रहेंगे, एक ये चक्र हमारा जीवन का चक्र चलता रहेगा। लेकिन हमारा देश रहेगा, हमारा प्रदेश रहेगा, हमारा गांव रहेगा, हमारा शहर रहेगा, वो कैसा होगा आज आप उसको सोच सकते हैं। जब सोचिए कि हमारा विद्यालय गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज बारूपुर 2047 में जब अपना 100वां साल मना रहा होगा तो कैसा होगा, क्या हम उस दिशा में चलने के लिए प्रवृत्त हैं, क्या हम उसका संकल्प ले सकते हैं। आपने देखा कि कितने संकल्प जो हमारी आज़ादी का पूरी लड़ाई थी वो संकल्पों की लड़ाई थी। तमाम लोगों ने किस्म किस्म के संकल्प लिए और हर संकल्प को सिद्धि के लिए प्राप्ति की, संकल्प से सिद्धि प्राप्त की। तो क्या हम एक संकल्प ले सकते हैं कि हमारा विद्यालय कैसा होगा 100 साल में। थोड़े दिन पहले जब मैं यहाँ आया था इस विद्यालय में, विद्यालय की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। आज जो मुझे एक खुशी दिख रही है, सारा का सारा जैसे लग रहा पूरा परिसर प्रसन्नता से खिलखिला रहा है। आप क्या इस परिसर को वो मौका आगे देंगे, बड़ी अच्छी बात है। प्रेम भूषण जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात कही। किसी भी चीज की सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता बहुत आवश्यक है, और निरंतरता तब संभव है जब लोग इससे जुड़ेंगे। पूर्व छात्र भी जुड़ेंगे, अभिभावक भी जुड़ेंगे, तब वो इसकी निरंतरता ऐसी बनी रहेगी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए जो एक भूतपूर्व छात्रों का तमाम सारे जगह पे एक पूरा का पूरा डाटाबेस होता है, वो बच्चे वहाँ पे अपने 25 साल बनाने के लिए, 50 साल बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, एक तो उनको आपस में मुलाकात होती है। जब मुलाकात होती है, जब वो देखते अपने विद्यालय को, सोचते हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। तो क्या हम अपने चीज़ से रिक्वेस्ट करूँ, ब्रजेश जी ने बहुत मेहनत किया, मैं जितनी इनकी तारीफ करूँ बहुत कम है, क्योंकि इस पूरी की पूरी रूपरेखा जब मैं अपनी चाची के 13वीं के लिए आया था यहाँ पे लगभग 3 महीने पहले, तो मेरे गांव पे
अमरनाथ मिश्रा जी जो यहाँ विद्यालय के प्रबंधक हैं और हेतराम जी जो यहाँ के विद्यालय के प्राध्यापक हैं इस समय, आप दोनों मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय 75 साल पूरा करने जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया, आप क्या कर सकते हैं सोचिए और सोच के बताइए, फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे। और वहीं से चर्चा प्रारंभ हुई और इसको मूर्त रूप देने में हमारे ब्रजेश मिश्रा जी ने बहुत मेहनत की। मैं उनकी इस बात की बहुत बहुत तारीफ करूंगा कि जैसे कई बार मेरे पास लाते थे, लाके उसके बाद कई सारी चीजें उसके बाद डिस्कस होता था, उसके बाद तय किया जाता था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से लगे रहे जिसका ये, और वो और उनके साथ तमाम सारे लोग। मैं उन तमाम सारे लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आगे बढ़ करके, जब ये गेट का बात हुआ, ब्रजेश मेरे पास आया, साहब आप तो कह रहे हो कि अमृत द्वार बनाना है, ये अमृत द्वार है, ये अमृत की वर्षा करेगा क्योंकि 75 साल में बना हुआ इसको देखो, जब अमृत मिल जाता तो अमृत से आदमी अमर अजर हो जाता है, ये अमृत द्वार है, ये इसको जो है अब इस विद्यालय को अजर अमर करने का ये द्वार है। और जब अमृत द्वार से घुसते तो सीधे सीधे मान सृष्टि वीणा वादनी, हमारी मेधा की शक्ति देने वाली माँ का दर्शन होता है। तो ये अमृत द्वार को बनने कैसे बनेगा, हमने कहा सोचो, चिंता न करो। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शिव सिंह यादव जी यहाँ पे हैं सुजल फाइनेंस के, आपको मैंने मेंशन किया, दो संस्थाएं हिताची इंडिया और दूसरी जो है लिबर्टी इंश्योरेंस, ये दोनों सामने हैं। उन्होंने कहा कि हम फंड करेंगे साहब, जहाँ आपने पढ़ा है उस विद्यालय के अमृत द्वार को हम फंड करेंगे। उन्होंने इसको फंड किया, मैं उन दोनों संस्थाओं के, इसमें दोनों विदेश में हैं, उनके नेतृत्व संस्था के हेड भी यहाँ पे जो मेरे सामने आए थे, शायद वो भी आते, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और वो तमाम सारे लोग, आपने कहा प्रवीण ने ये बनवाया, ब्लॉक प्रमुख साहब है, किसी ने जो है शौचालय बनाया, किसी ने कुछ बनवाया, हमारे संजय जी है, अभी इनसे कल मुलाकात हुई, बड़ा गर्व हुआ कि हमारा विद्यार्थी, हमारे विद्यालय का कोई विद्यार्थी आज एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, बहुत लोगों को नौकरी देता है, ये बहुत अच्छी बात है। और संजय जी ने इसके लिए योगदान दिया, मैं इसके लिए आपकी तारीफ करता हूँ। उन तमाम सारे लोगों ने जिन जिन ने इसको जो है इस पे सहयोग दिया, सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक नींव रख दी, एक नींव 75 साल पहले रखी गई थी, विद्यालय बीच में कुछ भटक गया था, यहाँ बहुत किस्म की लड़ाइयाँ चालू हो गई, एक बार दोबारा रास्ते पे आ गए। अब रास्ते पे आने के बाद तो फिर इसको चलना चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, क्योंकि तो इसे 100 साल की उस मंजिल को पूरा करना है जब अपने गौरव को और बड़ा हासिल करेगा। और गौरव इस इन बिल्डिंग से नहीं होता है। जब हम पढ़ते थे, मैं तो इस विद्यालय में केवल एक क्लास पढ़ा हूँ, कक्षा 6, 1971 to 72, केवल मैं एक क्लास यहाँ पढ़ा और उसके बाद मैं बलिया चला गया, मेरे पिताजी बलिया रहते थे और फिर वहीं से मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं रांची चला गया 1973 में, क्योंकि बलिया भी मुश्किल से मैं 4-5 महीने पढ़ा, उसके बाद एलडी कॉलेज में, उसके बाद मैं रांची चला गया। एक छोटी सी घटना हुई, मेरे पिताजी को कोई मिला बच्चा जिसको देखे बहुत अच्छा और बहुत उसको योग्य था, उन्होंने मुझसे पूछा तुमको बाहर भेजे पढ़ने के लिए, मैंने कहा बिल्कुल मैं जाऊँगा पढ़ने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने कहा इम्तहान दो, इम्तहान देना पड़ेगा, मैं दे दूँगा, क्योंकि मेरे अंदर वो संस्कार पिताजी ने डाला था, हमारे स्कूल के टीचर्स, प्राइमरी स्कूल जहाँ से मैं आ रहा हूँ, उन्होंने संस्कार डाला था सबसे उत्तम करना, कभी किसी से नहीं डरना। उन्होंने कहा कि परीक्षा देना होगा और आपको जानकर खुशी होगी कि जब पिताजी ने कहा परीक्षा देना बगैर किसी तैयारी के, वो परीक्षा दो लेवल की थी, पहला लेवल था उत्तर प्रदेश लेवल का और उसके बाद ऑल इंडिया लेवल का, और परीक्षा थी हिंदी और गणित की स्टेट लेवल पे। जब परीक्षा का परिणाम आया तो मैं प्रदेश में पहला स्थान था मेरा, और उसके लिए मेरे पिताजी जिम्मेदार है, उसके लिए वो तमाम सारे अध्यापक जिम्मेदार है जो मुझे पढ़ाते थे। जब उसके बाद ऑल इंडिया लेवल पे 5 विषय का इम्तहान था, जिसमें हिंदी भी था, गणित भी था, मनोविज्ञान भी था, आपकी बौद्धिक क्षमता भी थी और इंटरव्यू भी था, जब उसका रिजल्ट आया तो पूरे देश में मेरा 5वां स्थान था। न कोई तैयारी, न कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं, वो केवल हमारे अध्यापकों और हमारे पिताजी ने जो हमको पढ़ाया, जो हमको जो जो एक शक्ति दी, तो शक्ति का निर्माण था। और उसके साथ
मैं यहाँ से सीधे विकास विद्यालय रांची चला गया। फिर रांची के बाद मैं आईआईटी कानपुर पहुँचा और आईआईटी कानपुर से सीधा सीधा मैं आईएएस में 22 साल की उम्र में आ गया। मैं सोचता हूँ कि बहुत एक लंबी सेवा देने का और मेरे लिए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा एक तपस्या जैसी है। इसमें कितने लोगों को मुझसे कोई पूछता कि क्या करती सर्विस, मैंने कहा लोगों को मैं खुशियाँ देता हूँ, अगर किसी को दंडित भी देता हूँ करता हूँ तो इसलिए कि ताकि उसको मैं खुशी दे सकूँ, वो शुद्ध हो सके, आगे के लिए खुशियाँ खुशियाँ हो। ये संस्कार मुझे अपने स्कूल ने दिया और मैं वो तमाम सारे हमारे जो अध्यापक यहाँ पे आप सबको मैं आज प्रणाम करता हूँ। जब मैं यहाँ कक्षा 6 में पढ़ता था तो यहाँ ये कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट सामने का जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा, ये पूरे की पूरी जो है छादन होती थी, क्या कहते हैं आपका इसको, पलान कहते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ, वो घास फूस वाली जो फूस की छादन हुआ करती थी। मुझे अच्छे से याद है कताई बुनाई का यहाँ कमरा होता था, कुछ और क्लास होते थे, केवल एक पक्का कमरा था यहाँ पे कॉर्नर में जिसमें कुछ विज्ञान के वो क्लास वगैरह होते थे। और कुछ कमरे यहाँ पे बृजनारायण शुक्ला जी प्रधानाचार्य आए थे, बड़े तेज तर्रार बृजनारायण शुक्ला जी, उन्होंने आते ही माँ सरस्वती को बीचों बीच यहाँ पे स्थापित किया और यहाँ पे प्रार्थना शुरू की, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, ये शक्ति उन्होंने प्रार्थना यहाँ पे प्रारंभ की। मैं नाम भूल रहा हूँ उस बच्चे का जो उनके उनका ही भतीजा था, बाद में कई बार मुझसे मुलाकात हुई, मैं नाम स्मरण नहीं आ रहा, मैं स्मरण आ जाएगा ध्यान करूँगा। तो उसने यहाँ पे एक प्रार्थना के सिस्टम चालू किया और उसके बाद उन्होंने पहला कमरा यहाँ पे बनवाना चालू किया था, मुझे ध्यान है यहाँ पे बनाना चालू किया। तो जब कुछ नहीं था तो यहाँ से बहुत लोग आगे बढ़ते थे, यहाँ से हमारे प्रेम भाई यहाँ से निकल करके पूरे दुनिया में अलग लगाने के लिए ऐसे लोग निकलते थे। यहाँ से मीरा मिश्रा निकली जिसने पूरे उत्तर प्रदेश बोर्ड में पहला स्थान प्राप्त किया लड़कियों के बीच में। यहाँ से संजय निकले जो कि यहाँ पे वहाँ पे जो इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर हो गए। यहाँ से मेरा छोटा भाई सत्यकाम मिश्रा निकला जो आज आयकर विभाग में अपने सबसे सर्वोच्च पद पे है। अवधेश मिश्रा निकले जो कि पूरे आयकर विभाग में एक इतने बड़े उच्च पद पे है। ऐसे तमाम सारे लोग अगर नाम गिनेंगे तो बहुत सारे लोग निकलेंगे। यहाँ से आलोक देवा ये हमारे बहुत सारे लोग निकले यहाँ से, कैसे लोग निकले, राज्य का सूचना आयुक्त ब्रजेश निकला यहाँ से, ऐसे कैसे लोग निकले। जब कुछ भी नहीं था तो ताकत थी पढ़ाई की, ताकत थी पढ़ाने वालों की, ताकत थी। मुझे याद है कैसे हमारे अध्यापक हर चीज में कितना रुचि लेकर के, कैसे बहुत सारे हमारे अध्यापक नहीं है, इसलिए मैं उन सबका वंदन अभिनंदन और प्रार्थना करता हूँ। और मैं यही आपसे कहूँगा जो वासुदेव शरण शुक्ल जी ने, वासुदेव शरण प्रसाद ने अपना एक लेख में, लेख का नाम भूल रहा हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी देश वहाँ की सीमाएं नहीं, वहाँ का भूगोल नहीं, वहाँ की वनस्पति नहीं, वहाँ के खनिज पदार्थ नहीं, वहाँ के उपजाऊ जमीन नहीं, वहाँ के नदी नाले नहीं, बल्कि वहाँ का नागरिक होता है। और वो नागरिक जो होगा उस देश को आगे बढ़ाएगा, उस देश को बनाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, वासुदेव शरण अग्रवाल की वो लेख का नाम मुझे याद नहीं है, उस लेख को मैं उद्धृत करते हुए मैं कहूँगा कि कोई भी विद्यालय वहाँ की ये दीवारें, वहाँ के कमरे ये आवश्यक है, कमरे नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, सुविधाएं नहीं होंगी तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ये सब कुछ आवश्यक, कमरे भी चाहिए सुविधाएँ भी चाहिए, लेकिन विद्यालय अगर कमरों से और सुविधाओं से बनता तो बहुत सारे विद्यालय बन जाते, बहुत सारे नाम करते। विद्यालय वहाँ के शिक्षकों से और शिक्षार्थियों से बनता है। शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, कैसा संस्कार देते हैं, गीता में कहा गया है, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है या विद्या सा विमुच्यते, विद्या वो है जो आपको मुक्ति प्रदान करे। और मुक्त कैसे प्रदान करेगी, आपको ऐसा मानव बनाएगी जिससे हर परिस्थितियों में, परिस्थितियां तो बदलती रहती है, आपके सामने भगवान किस्म किस्म से आपका परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन हर परिस्थितियों में वो सख्त होकर के हमेशा
आगे बढ़ता रहेगा, जहाँ पे है उससे आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और समाज को देता जाएगा, तब वो या विद्या साबिमुख को उसको मुक्ति प्रदान करेगी विद्या जो है। ये हमारा विद्यालय संस्कार दे। इस विद्यालय में न केवल हमारी पढ़ाई, बहुत अच्छा लगा एनसीसी के बच्चे, मैं भी एनसीसी का इस विद्यालय में तो नहीं, लेकिन मैं विकास विद्यालय में और आईआईटी कानपुर में एनसीसी का छात्र रहा और मुझे मालूम है कि एनसीसी आज पूरे देश, पूरे प्रदेश के एनसीसी का मैं देखता हूँ, सब सारी चीज़ें मेरे सामने आती हैं, कैसे अनुशासन और इसके बारे में आपको प्राप्त होता है अनुशासन और एकता। बहुत अच्छा लगा एनसीसी के बच्चे हैं, ऐसे स्काउट के बच्चे, एनसीसी के बच्चे, सोशल सर्विस के बच्चे, अभी स्पोर्ट्स के बहुत सारे बच्चे आए, तो बच्चों को पूरा एक एक पूर्ण मानव बने जो हर क्षेत्र में, क्योंकि अब तो क्षेत्र का, जब हम पढ़ते थे तो होता था आईआईटी नहीं जाए तो कोई कुछ किसी काम लाएंगे, मेडिकल नहीं हुआ तो किसी काम लाएंगे, आज तो इतनी अपरंपार सद्भावनाएं खुल गई हैं, आप जिस क्षेत्र में जाए वहाँ पे आप नाम कर सकते हैं, आप किसी क्षेत्र के जाके सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, किसी क्षेत्र के जाकर के आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, किसी क्षेत्र कुछ भी बन सकते हैं, तमाम सारी संभावनाओं का इतना बड़ा, और ये हमारे देश को विकास के पथ पे ले जा रहा, देश को विकसित करने का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं नए भारत, तो नए भारत की संकल्पना जिसमें हम अपनी हर संभावनाओं को, हमारे अंदर क्या क्षमता है उसको हम पूरी तरह से विकसित करके हम जो कर सकते हैं वो सबसे अच्छा करें। अब देखिए हमारी, अब सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रेम भूषण जी हैं, मैं कल इनसे पूछा कि भाई आप तो इस इंटर कॉलेज में तो जो है ये राम कथा की कहानी तो नहीं होती थी, कैसे आप राम कथा वाचक बन गए? कल इन्होंने बड़ा कृपापूर्वक हमारे घर पे लगभग 30 मिनट, क्योंकि रात का देर हो रहा था, मैंने खुद ही कहा था 30 से 35 मिनट करिए, और ठीक 30 मिनट इन्होंने बंद किया और 30 मिनट में मंत्र मुग्ध कर दिया इन्होंने, भगवान राम की कथा कह करके उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया हर आदमी, मैं सोचता हूँ जितने लोग सुन रहे थे मेरे घर पे बैठे हुए, हर आदमी वहाँ से बहुत कुछ ले करके गए। तो ये अद्भुत कला, ये तो पढ़ाई यहाँ नहीं होती, नहीं पढ़ाई यहाँ के बाद जो डिग्री कॉलेज में होती कैसे हो गए? और देखिए आज इनको सारा का सारा, प्रेम भूषण जी का नाम लीजिए, तमाम सारे लोग आपको जानते हैं, परिचय देने की आवश्यकता नहीं, आपका नाम ही आपका परिचय है। ये हो, ये है आज का समय, जबकि आप जिस किसी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, केवल आप में न हारने वाले, हम हार नहीं माने, जो हमारे यहाँ जो एक कहा गया है कि पहला वो होता है जो कि कोई चीज दिखते ही, कोई भी काम अगर सामने कठिनाई आती है सोचता है इतना बड़ा पहाड़ हम कैसे क्रॉस करेंगे, नहीं कर सकते, वो कोशिश भी नहीं करता। दूसरा वो होता है जो कि पहाड़ पे चढ़ना चालू करता है, एक ठोकर खाता है, दूसरा ठोकर खाता है, तीसरा ठोकर खाता है, फिर कहता है तो ठोकरों वाला ही रास्ता है, अब हमें लौट चलना चाहिए, शायद हम खत्म हो जाएंगे, पीछे मुड़ जाए। लेकिन असली ताकत जो सतोगुणी होते हैं उनकी ताकत वो होती है, जो सामर्थ्यवान, जो कि संस्कारवान होते हैं उनकी ताकत होती है, बाधाएं आएंगे तो आते रहे, हर बाधाओं को क्रॉस करने की हमारी जो हमारी एक संकल्प है उस संकल्प को हम पूरा करेंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ऐसा विचार, ऐसा संस्कार अगर स्कूल लाएगा तो स्कूल आगे बढ़ेगा। तो मैं इस अवसर पर जब हम आज़ादी का भी 75वां वर्ष मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आपको पता है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि 11 से लेकर 17 अगस्त तक आज़ादी के अमृत महोत्सव का सप्ताह मनाया जाए, जिसके बीच में 15 अगस्त है, जिसमें 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर